वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों हो जाइए सावधान, अगले 5 दिनों के अंदर जो होगा आप कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हां वृश्चिक राशि वालों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगले 5 दिनों में एक ऐसा राज खुलने वाला है, एक ऐसे राज से पर्दा उठने वाला है जो कि वृश्चिक राशि वालों आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर सच सुनने की हिम्मत हो तभी देखना, ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है। वृश्चिक राशि वालों, आज की यह वीडियो कुछ अलग सा होने वाला है। ऐसे में दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहेंगे, जो व्यक्ति सावधानी के साथ आगे बढ़ेगा वही जीतेगा, क्योंकि दोस्तों समय कम है और समस्या बड़ी है। ऐसे में दोस्तों कुछ विशेष सावधानियां रखकर आपको आगे बढ़ना होगा, कुछ सावधानियां आपको पालन करना होगा। दोस्तों वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसे खास आपके ग्रह गोचर के आधार पर बनाया गया है। आपको बताएंगे कौन कौन सी सावधानियां बरतने से आप इन खतरों से दूर रह पाएंगे, अगले 5 दिनों में कौन कौन से बदलाव आपके परिवार में, आपके स्वास्थ्य में, आपके कामकाज में, आपके प्रेम संबंध में व आपके रोजी रोजगार के क्षेत्र में होने वाला है, इसकी संपूर्ण भविष्यवाणी करेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस हमेशा की तरह इसे शुरू से लेकर अंत तक देखनी है और कुछ उपायों को करनी है। इसमें आपको कोई रुपया पैसा नहीं लगानी है, सिर्फ सच्ची श्रद्धा से इन उपायों को करनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले भगवान ब्रह्मदेव के जो भी सच्चे भक्त हैं वीडियो को लाइक कर दें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिख दें जय ब्रह्मदेव। दोस्तों प्रकृति से मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। कोहरा हमें सिखाती है कि जब जीवन में अंधकार छा जाए, कुछ दिखाई ना दे, तो व्यर्थ की चिंता करने की बजाय एक एक कदम सावधानी से रखना चाहिए, इसी में भलाई है। दोस्तों बात अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा राधे राधे। आइए दोस्तों अब बात करते हैं। दोस्तों ग्रह गोचर आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां बना रहा है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग आपके कार्यों को और अधिक सुगम बनाएगा, आपको किसी खास मिशन को लेकर किए गए प्रयास सफल रहेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, इस समय किसी भी मीठे बोलने वाले इंसान से दूरी बनाकर रखिएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि नमक में आज तक कीड़े नहीं लगे हैं। लेकिन आपको मीठे बोलने वालों से बचकर रहना होगा, अन्यथा मीठा मीठा बोलकर आपका ही सब कुछ लूट ले जाएगा। जी हाँ, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा, दिल की अपेक्षा दिमाग से निर्णय लें, क्योंकि भावनाओं में बहकर आप कोई गलती कर सकते हैं जिनका खमियाजा आपको आगे चलकर भुगतना पड़ेगा, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत बच्चों के मार्गदर्शन के लिए भी कुछ समय जरूर निकालें और किसी को इस समय रुपया पैसा अगर उधार दे रहे हैं तो जरा बच कर रहिएगा, क्योंकि वापसी की संभव अभी नहीं है और परेशानी आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आपका तो नुकसान होगा ही, साथ ही साथ परेशानी भी आपकी बढ़ सकती है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत सामाजिक कामों पर आपको अधिक से अधिक ध्यान देने होंगे, अपने व्यक्तिगत कार्यों में भी सुखद को वास्तव में रखें तथा दूसरों के मामलों में अभी उलझने से बचिएगा। किसी भी तरह के वाद विवाद की स्थिति में आप अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना बेहद जरूरी है, अन्यथा बड़ी परेशानी में आप इस समय पड़ सकती हैं। ग्रह सितारे कह सकते कि इस समय आपको जो है कोर्ट कचहरी का मामला करना पड़ सकता है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत अपने दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हुए अपनी जो है आंतरिक उपलब्धियों को भी हासिल करना आपको खुशी देगा। नजदीकी रिश्तेदारों के साथ गेट टुगेदर का प्लान भी बन सकता है। खर्चों की अधिकता आपको जो है परेशान कर सकती है, जरा अभी खर्चों में कंट्रोल बनाकर रखना होगा। किसी भी सामाजिक जो है गलत गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाना एक मिसाल बनेगा, समाज में सम्मानित जो है महसूस करेंगे और इसकी वजह से आप अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से करने में समर्थ रहेंगे। रुका हुआ पैसा जो है टुकड़ों में मिल जाएगा और पैसों के मामले में
हाथ अभी आपका तंग रह सकता है, परंतु परेशान होने की वजह से सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर रखें आपके लिए उचित रहेगा। युवा वर्ग, अपने किसी लक्ष्य के प्रति सफलता मिलने से तनाव न मिले, आपको जो है प्रयास करते रहना होगा। परिस्थितियों से मुंह मोड़ना अभी आपके लिए उचित नहीं है। अगर कोई परेशानी, कोई बाधा आ रही है तो आपको उनका डटकर सामना करना होगा। देखिए, अगर परेशानियों से भागेंगे तो यानी कि दूसरी परेशानियों का न्योता देना हुआ। इसलिए अगर परेशानी मुश्किल आ रही है तो उनके भागिएगा मत, डटकर उनका सामना कीजिए, ये आपके लिए अभी उचित रहेगा। इसके उपरांत व्यर्थ की गतिविधियों में व्यस्त रहने की वजह से आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवधान आएगा। पारिवारिक व्यस्तताओं पर ध्यान देने की वजह से परिवारजनों की नाराजगी अभी आपको सहन करनी पड़ सकती है। विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, किसी भी तरह की यात्रा को स्थगित रखना अभी आपके लिए उचित रहेगा, क्योंकि इसमें समय और पैसा व्यर्थ होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। और आपको बताना चाहेंगे, आर्थिक समस्या को लेकर घर में कुछ तनाव भी रहने की संभावनाएं बन रही है। बच्चों की पढ़ाई में अभी आपको अधिक से अधिक ध्यान देना होगा, तभी उनका कैरियर अच्छा बन सकता है। कुछ लोग आपके बारे में गलत फहमियां जो है फैला सकते हैं, परंतु इन बातों पर ध्यान ना देकर आप अपने कर्म पर लगे रहें और घर में वरिष्ठ लोगों का मान सम्मान अवश्य बनाकर रखें, तथा कोई मन मुताबिक आने पर उनके जो है विचार विमर्श भी करनी आपके लिए सहायक रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी कार्य व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी रहेगी, परंतु आपकी अच्छी छवि की वजह से मार्केटिंग संबंधी आपको अच्छा ऑर्डर मिलने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, आपको जरा ध्यान रखना होगा, जो आपका विरोधी है वो इस समस्या में आपकी जो समस्या पैदा कर सकती है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। और अपनी पर्सनल बातें इस समय किसी को भी मत बताइएगा। ग्रह सितारे कह रहे हैं कि अभी आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। जितना हो सके सतर्क रहें, सावधान रहें तो अभी आपके लिए बेटर रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, प्रॉपर्टी के व्यवसाय संबंधित कार्यों में कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल हो सकती है, लेकिन कागजातों की उचित जांच पड़ताल जरूर करवा लें। सरकारी सेवारत लोगों को अपनी नौकरी से संबंधित कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। यहाँ पर आपको खुशखबरी मिलेगा, लेकिन अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय आपकी किसी उपलब्धि से घर परिवार में खुशी भरा माहौल रहेगा। मनोरंजन तथा गेट टूगेदर संबंधित प्रोग्राम भी बनेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशी देगा। इसके उपरांत पारिवारिक वातावरण व्यवस्थित और खुशनुमाजित बना रहेगा, परंतु घर में ज़्यादा हस्तक्षेप रखना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। एक दूसरे को अभी आपको छूट देने की आवश्यकता रहेगी। ज़्यादा रोक टोक करना रिश्तों में जो है खटास ला सकता है, इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो जो है स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन आपको समय ज़्यादा तला गना या फिर बाहर के खानों से परहेज करना अभी आपके लिए उचित नहीं रहेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें।